प्रदेश कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा ने किया घंटानंद आंदोलन, कलेक्ट्रेट का किया घेराव। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं ने जमकर किए नारेबाजी। ऑटो में सवार होकर सांसद और भाजपा नेताओं ने बजाए घंटा। आंदोलन में टूटी गई शब्दों की मर्यादा। सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस सरकार को बताया राक्षस और सनीचरों की सरकार। सांसद ने पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, उनके ही पार्टी के नेता विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो सब शर्मनाक कर रहा है, उनके संस्कार में नहीं है जनहित का कार्य करना। शंख और घंटी बजाया गया, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि शंख घंटी बजाने की आवश्यकता? शंख और घंटा के पीछे सिर्फ यही है कि शंख और घंटा देखिए बहुत शुभ चीजों में भी किया जाता है, और जब हमारे इतिहास में भी गवाह है, देवताओं को जगाने के लिए, राक्षसों को भगाने के लिए भी इस यंत्र का उपयोग किया गया था। इसलिए आज राक्षसों को भगाने के लिए, कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए, जो मरी हुई सी नींद है, जिसमें जनहित की चीजें कहीं न कहीं खो गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संवेदनशील योजनाओं में जनता को हित पहुंचाने के लिए, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए तंज उनके अपने लोगों ने कसा, उनके अपनी सरकार ने, उनके साथी ने, उनके साथ काम करने वाले उनके सम्मानित विधायक ने कसा, और ये तंज कहीं न कहीं हम लोगों को संसार कर देने वाला है, क्योंकि वो मंत्री हमारे क्षेत्र से हैं। इसलिए मैंने तो सिर्फ जनता के सामने इस बात को याद दिलाया है कि उनके ही अपने साथी अपने मंत्री से भ्रष्टाचार के आरोप को साबित कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप को साबित कर रहे हैं। इसलिए मैंने जनता के सामने इस बात को याद दिलाने का प्रयास किया। क्या लगता है कि जिस तरह से मंत्री हैं, जिस तरह से उनको सीधी का विकास करना चाहिए अपने जिले का, बिंध में इकलौता मंत्री हैं, वैसा काम नहीं हो रहा है? देखिए, जिसकी जैसी कार्यशैली, जिसके जैसे संस्कार होंगे, वैसी उसकी कार्यशैली होगी। जब उनके संस्कार में ही नहीं है जनहित का कार्य करना, क्षेत्र का विकास करना, और जनता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए संवेदनात्मक भावनात्मक योजनाओं को बनाना, तो निश्चित रूप से वो चीजें कहाँ से आएंगी। इसलिए इस बात के लिए प्रतीक्षा आपको जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। हो सकता है ईश्वर ने अगर हमें आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से इसकी प्रतीक्षा बहुत जल्द समाप्त भी हो। आपके सिहावल क्षेत्र में बहुत सारे शिलान्यास किए, भूमि पूजन किए, दावा किए कि ये सारे विकास कार्य होंगे, ऋण माफी का दावा कर रहे हैं, क्या सच क्या है उसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है सबका साथ और सबका विकास। वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने नेतृत्व में सबको साथ लेकर सबका विकास करने की एक उद्देश्य बनाई है। लेकिन ये कांग्रेस की कार्यशैली है कि व्यक्तिगत और अकेले सिर्फ हम खाएं और कोई आकर इसमें हस्तक्षेप ना करे, ये उनकी कार्यशैली रही है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम वो अकेले अकेले या अन्य कोई भारतीय जनता अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के मंत्री या विधायक के माध्यम से हुआ। अलिफाफा वाले मंत्री का आपने बयान दिया, ये क्या है? अलिफाफा वाले मंत्री, ये मैंने बयान नहीं दिया, ये अपने साथी ने बयान दिया। याद दिलाया है कि हमने जनता को, अपने भोले वाले कार्यकर्ता को, अपने पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सबको याद दिलाया है कि लिफाफा वाले मंत्री अब हमारे जिले में आ गए हैं, और इसलिए अब वो चीज नहीं है जो जिन जिन चीजों के सपने हमने पहले कभी देखे होंगे। इसलिए